दें, बिहार विधानसभा में कई पद पर बहाली होगी। बहाली के लिए जल्द ही विज्ञापन भी निकल जाएगा। 4 साल बाद फिर बहाली निकलने वाली है। 347 पद पर बहाली का एजेंसी को जिम्मा मिला है। ICEAF एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई है और आपको बता दें कि जल्द ही विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में नौकरी की बहार है। एक एक करके लगातार सरकार की तरफ से सरकारी नौकरी को लेकर विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा में अब कई पद पर बहाली होने वाली है और जल्द ही विज्ञापन निकाला जाएगा। अरवल से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां सिपाही भर्ती परीक्षा के मामले में फर्जी आंसर शीट बेचने का खुलासा हुआ है, जिसे बताया जा रहा है कि 4 लोगों ने 40,000 रुपए में डील की थी। कोचहासा स्कूल के टीचर समेत 4 गिरफ्तार किए गए हैं। 2 और लोग का नाम सामने आया है और अब पूरे मामले की जांच पुलिस की टीम कर रही है। तो बड़ी खबर आपको अरवल से बता रहे हैं, जहां पर देखिए एक बार फिर से जो सॉल्वर गैंग है वो काफी एक्टिव नजर आ रहा था और यही वजह है कि 4 लोगों के साथ 40,000 रुपए का ये डील किया गया था। और आपको बता दें कि 2 और लोग ऐसे हैं जिसका नाम कार्रवाई के तहत सामने आया है और अब उस पर भी कार्रवाई पुलिस की टीम करने वाली है।